अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अब हम लोग बना रहे हैं सबसे पहले मिक्स फ्रूट जूस। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले लेंगे ये वाटरमेलन, मिक्सर के जार में डाल देंगे। इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अब यहाँ पे डालेंगे हम लोग ऑरेंज, एप्पल और आपके पास जो भी फ्रूट्स है इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं डाल चुकी हूँ। इसमें आप चाहे तो बनाना, फिर ग्रेप्स, पेरू, पेरू तो मैं इसमें डाल चुकी हूँ इस तरह से पीसेस करके। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। सो ये देखिए जूस तो रेडी हो गया। अब इसको हम लोग छान लेंगे। सो इस तरह से एक छानी डाल देंगे और इसमें डाल देंगे ये जूस। अभी आपको क्या करना है, इसको इस तरह से हलाना है। तो इसको इस तरह से प्रेस करेंगे तो जूस ऑटोमेटिकली इसमें गिर जाएगा। तो ये देखिए हमारा जूस रेडी हो गया है। सो अब इस जूस में हम लोग डालेंगे चीनी, 3 स्पून है ये। अब स्पून से इसको मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद ग्लास में निकाल रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह हमारा जूस रेडी हो गया है, फ्रूट जूस, मिक्स फ्रूट जूस। अब इसको रख देंगे हम लोग फ्रिज में, इफ्तार के टाइम को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जार लेंगे, उसमें डालेंगे कोकोनट। मैं यहाँ पे चटनी बना रही हूँ तो इसमें सबसे पहले लेंगे कोकोनट। अब इसमें डालेंगे धनिया और हरी मिर्ची, इसको तोड़ के डाल देंगे, ग्रीन चिली को। तो अब इसमें हम लोग डालेंगे शेंगा। थोड़ी चटनी बना रही हूँ इसलिए थोड़े शेंगा डाल रही हूँ। और यहाँ पे पुटाने डाल देंगे थोड़े से, थोड़ा सा मोटा ज़ीरा, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारी चटनी रेडी हो गई है। अब हम इसको तड़का देंगे। तो यहाँ पे हम लोग तड़का देने के लिए सबसे पहले डालेंगे ऑयल, थोड़ा सा डालना है बस। फिर उसमें डालेंगे थोड़ा सा राई, उसमें डालेंगे थोड़ा सा मोटा जीरा। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, जो चटनी बनाए इसको ऐड कर देंगे इसमें। तो ले लिया, हमारा तड़का रेडी हो गया। सो ये देखिए हमारी चटनी रेडी हो गई। तो ये देखिए माशाल्लाह होटल स्टाइल दिख रही है ना हमारी चटनी, टेस्ट भी वैसा ही आया है गाइस। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे फटका आटा, जो डोसे का आटा रहता है उसी को हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे। तो इसमें डालेंगे, अब हम लोग बना रहे हैं मसाला फट, तो इसलिए सबसे पहले डालेंगे इसमें अनियन, प्याज और थोड़ा सा धनिया। और बारीक कट करे हुए ग्रीन चिली। सो अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, साल्ट। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए सो मिक्स करने के बाद उसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, टर्मरिक पाउडर। अब इसको इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अब ये अच्छे से मिक्स हो गए। अब इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, इसके बाद हम लोग फट बनाएंगे। तो चलिए इसको रखते हैं साइड पे। सो अब हम यहाँ पे लेंगे पोटैटो, उसको बॉईल कर लेंगे, फिर उसको कद्दूकस कर लेंगे इस तरह से। इसमें डालेंगे थोड़ी सी अनियन, ये देखिए इसमें डालेंगे थोड़ी सी धनिया, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर, हल्दी, थोड़ा सा चुटकी भर गरम मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं वरना छोड़ सकते हैं। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसको हाथ से ही मिक्स कर लेते हैं। सो ये देखिए मैं अच्छी तरह से मिक्स कर चुकी हूँ।
हमारी पोटैटो की ग्रेवी रेडी है। हम इसे पराठे भी बना सकते हैं, समोसा भी बना सकते हैं। तो इसको रखते हैं साइड पे। हम लेंगे आटा, ये देखिए, उसको इस तरह से रोटी बना लेंगे छोटी सी। अब इसमें जो हम लोग बनाए हुए हैं ग्रेवी पोटैटो वाली, इसमें डाल देंगे। मैं आपको बोली थी कि इसको हम लोग पराठे भी बना सकते हैं, समोसे भी बना सकते हैं, तो इसलिए सबसे पहले मैं बना रही हूँ पराठा। डालेंगे उसको इस तरह से, बड़ी रोटी बना लेंगे और बीच में से उसको इस तरह से रख देंगे। उसको इस तरह से कट करके इस तरह से, एक लोगों में दिखाती हूँ आपको, इस तरह से समोसा बना लेना है ना, थोड़ा यूनिक भी हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से रख देंगे इसको और इसको इसको इस तरह से रोल करेंगे। सो ये देखिए रोल हो गया हमारा। ये देखिए इस तरह से मैं रोल बना चुकी हूँ। अब जो साइड में जो खुला है उसको इस तरह से प्रेस कर लेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें से हमारा जो अंदर पोटैटो है उसको बाहर नहीं आना चाहिए। मैं देखिए इस तरह से पैक कर, ये देखिए मेरे थोड़े अलग यूनिक स्टाइल 5 समोसे बन चुके हैं। इसको फ्राई कर लेंगे, तब थोड़ी इसके लिए इसको साइड में करते हैं, 1-2 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे मैं पराठे को बना रही हूँ, ये देखिए इस पर थोड़ा सा आटा डाल देंगे और इसको दोनों हाथ से बेल लेंगे। सो ये देखिए हमारा पराठा रेडी हो गया, अब इसको सेकना बाकी। चलिए इन समोसों को फ्राई करते हैं। एक साइड पे मेरे समोसे फ्राई हो रहे हैं, एक साइड पे मैं पराठा फ्राई कर रही हूँ। देख रहे हैं पराठों को, ये देखिए यहाँ पे पराठे को हम लोग तेल लगा लेंगे। अगर आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं इस पर। तो ये देखिए मैं इस तरह से डाल दूँ, इसको स्प्रेड कर लेता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह पराठा तो रेडी हो गया। तो ये देखिए मेरे यहाँ पे समोसे फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पे मैं वड़े फ्राई कर रही हूँ। कल जो मैं वड़े बनाए थे मेरे घर पे, सबको पसंद आए थे यहाँ पे वड़े, तो इसलिए दोबारा फ्राई कर रही हूँ। वड़े कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी तो मैं कल ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो। तो यहाँ पे थोड़े वड़े बन चुके हैं और थोड़े से न्यू स्टाइल में समोसा, और यहाँ पे हमारे बन रहे हैं फट, इसको अप्पे भी बोलते हैं। सो ये देखिए मैं इसको पलट के डाल चुकी हूँ। अब इसमें डालेंगे थोड़े से ऊपर से ऑयल। ऑयल डालने से थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है गाइस, इसलिए। हमारे माशाल्लाह अच्छे बने हैं अप्पे। यहाँ पे तो अप्पे बन रहे हैं, अभी 1-2 मिनट से हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारा पराठा भी रेडी हो गया है, ये देखिए माशाल्लाह। और यहाँ पे हमारे शाबू वड़ा और यूनिक स्टाइल समोसा। सो यहाँ पे हमारा फ्रूट जूस भी रेडी हो गया है, कोल्ड भी हो गया है, इफ्तार का टाइम भी हो रहा है। यहाँ पे हमारी चटनी भी मैं एक बॉल में काट चुकी हूँ, निकाल चुकी हूँ। चलिए तो आपको रख देंगे इसमें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।